नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मुंबई और आरसीबी के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के ओपनिंग मैच में विराट कोहली की टीम ने बाजी मार ली। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को इस मैच में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कल का मैच बेहद रोमांचक रहा। आखिरी बॉल पर जाकर मैच का नतीजा निकला, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोग को हैरान कर दिया और सभी लोग मैदान पर और मैदान के बाहर आश्चर्यचकित रह गए। मैच अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तभी बीच मैदान में विराट कोहली के साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस मैच में आरसीबी की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही थी। मुंबई इंडियंस की पारी के 19वें ओवर में आरसीबी के गेंदबाज काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली ही गेंद पर मुंबई के बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने हवा में एक शॉट खेला, जिसे कोहली ने कैच करने की कोशिश की। कैच कोहली के हाथों से छिटक गया और गेंद सीधे उनकी आंखों के नीचे लगी। बाद में कोहली की आंख के नीचे एक लाल निशान भी पड़ गया था। उनको काफी दर्द भी हो रहा था। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि इस हादसे के बाद भी कोहली मैदान पर डटे रहे। उन्होंने आरसीबी के जीत के लिए एक उपयोगी पारी भी खेली। मैच की बात करें तो आरसीबी ने 160 रन के लक्ष्य को 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल किया। बैंगलोर की तरफ से एपी डिविलियर्स ने 27 गेंदों में 48 रन बनाए। आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा। डिविलियर्स जब चौथे गेंद पर रनआउट हुए तो 2 गेंद में जीत के लिए 2 रन बाकी थे। सिराज और हर्षल पटेल ने 1-1 रन दौड़कर अपने टीम को जीत दिलाई। डिविलियर्स के अलावा इस मैच में मैक्सवेल ने 39 और कोहली ने 33 रन की पारी खेली। इस मैच में हर्षल पटेल कप्तान विराट कोहली की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 6.75 की बेहतरीन औसत से 27 रन दिए और 5 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या और मॉर्कस जेनसन के विकेट अपनी झोली में डाले। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।